तो इस लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल सर्किट देखेंगे, दैट इज़ आवर आरसी सर्किट। इस आरसी सर्किट में दो एलिमेंट्स होंगे, एक कैपेसिटर होगा और एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, एंड दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे कैपेसिटर्स मिलके आप आरसी सर्किट बना सकते हो, जिसमें रेजिस्टेंस होगा और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी हो सकता है और एक डीसी सोर्स हो सकता है। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो स्टैंडर्ड आरसी सर्किट है, स्टैंडर्ड आरसी सर्किट जो होगी वो उसमें आपका क्या होगा कि आर एंड सी, दैट इज रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में होंगे। इन सीरीज सीरीज में कनेक्टेड होंगे, मतलब एक यहाँ पे कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टेंस होगा आर, और ये कैपेसिटर सी होगा। ये किसी डीसी सोर्स बैटरी से, वी वोल्ट की बैटरी से साथ कनेक्टेड होंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड आरसी सर्किट होगा। ऐसे और भी आरसी सर्किट्स हो सकते हैं, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये स्टैंडर्ड आरसी सर्किट की एनालिसिस पहले करेंगे। तो आर एंड सी इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे और वो एक डीसी सोर्स से जुड़े होंगे। तो दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड आरसी सर्किट। इसी की हम एनालिसिस करेंगे, इस सर्किट के बिहेवियर की एनालिसिस करेंगे, और इसको हम दो स्टेज में करेंगे। पहला हम इस सर्किट की चार्जिंग की बात करेंगे, जिसमें कि कैपेसिटर चार्ज होगा, दैट वी कॉल्ड चार्जिंग चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। और दूसरा होगा एक डिस्चार्जिंग, जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो दो मोड में हम इस सर्किट की एनालिसिस करेंगे। तो हमारा पहला केस हमें बोल सकते हैं चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो चार्जिंग में क्या होता है, सर्किट की जो सिचुएशन है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं। पहले वो ये है कि एट एनी टाइम बिफोर टी इक्वल टू जीरो स्विच इज ओपन एंड कैपेसिटर इज अनचार्ज। मतलब सर्किट की सिचुएशन ये थी कि एक कैपेसिटर था यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस है आर, ये सी है, और ये स्विच है यहाँ पे लगा था, और ये बैटरी थी वी वोल्ट की, और ये स्विच इसको हम एस डब्ल्यू बोल रहे हैं। तो बिफोर टी इक्वल टू जीरो ये ओपन था, यहाँ पर क्यू हमारा क्या था, जीरो था, कोई चार्जिंग नहीं थी। जब कोई यहाँ पे चार्जिंग क्यों नहीं होगी, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सर्किट नहीं है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो कोई भी करंट का फ्लो ना होना मीन्स पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोई चार्जिंग नहीं होगी, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा। मतलब अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, तो अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्विच जब ओपन है तब की बात हो रही है। तो बिफोर सी टी इक्वल टू जीरो है। अब हम क्या करते हैं कि एट एनी टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो लेट स्विच इज क्लोज। स्विच को हम टी इक्वल टू जीरो में क्लोज करते हैं, दैट इज द मोमेंट व्हेन वी आर गोइंग टू क्लोज द स्विच, दैट मोमेंट वी आर कॉलिंग इट टी इक्वल टू जीरो, और बिफोर टी इक्वल टू जीरो ये ओपन सर्किट था। तो एट स्विच इज क्लोज, तो जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा, जैसे आप इसे क्लोज कर देंगे यहाँ पे एक पोटेंशियल इज जीरो वोल्ट और यहाँ पे वी वोल्ट, तो देर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, और वी कैन से दैट बैटरी नाउ गोइंग टू डिलीवर चार्ज, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। इनफैक्ट अभी जैसे ही स्विचिंग हो रही हो तो ये जीरो वोल्ट जीरो पोटेंशियल है नोड, और इस जीरो पोटेंशियल को वी से हमने कनेक्ट कर दिया, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा, तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट स्विच इज क्लोज। तो अगर चार्जिंग शुरू हो रही है तो किसी ट्रांजिशन स्टेट में हमने ये माना कि लेट स्विच इज क्लोज एंड एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। तो अगर हमारे पास कोई भी टी इक्वल टू टी टाइम पे सिचुएशन कुछ ये हो रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है,
और बैटरी ने चार्ज डिलीवर करना शुरू कर दिया है, ये वी वोल्ट है। यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब डी क्यू बाई डी टी का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये रेजिस्टेंस हमारे पास आर पहले से है। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पे, हमारे पास इस सर्किट में हमने ये माना कि चार्जिंग स्टार्ट हो गई एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट टी इक्वल टू टी, देर इज ए चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर। नाउ आवर एम इज टू फाइंड आउट द चार्ज क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमें इसी चार्ज क्यू को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो कैसे निकाल रहे हैं, देखिए मान लेते हैं आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो कोई भी हम इस क्लोज लूप हमें मिल रहा है, इसमें अगर किसी इंस्टेंट पे हम केवीएल लगाएं, केवीएल इन द क्लोज लूप ए बी सी डी ए, तो अगर केवीएल लगाएं इस क्लोज लूप में तो हमें क्या मिलेगा, यहां से अगर हम स्टार्ट हो तो माइनस से प्लस, तो हमें मिलेगा वी, फिर ये कैपेसिटेंस इसका सी था तो माइनस क्यू बाई सी का ड्रॉप मिलेगा। कैपेसिटर में हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ अगर जाएंगे तो देर इज अ ड्रॉप ऑफ क्यू बाई सी। अच्छा, ये करंट आई इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस को अगर आप क्रॉस करेंगे करंट की डायरेक्शन में ही क्रॉस कर रहे हैं तो आई आर का एक ड्रॉप भी मिलेगा इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। हमारा एम क्या है, हमारा एम है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना। तो यहाँ पर हमने क्यू को लिख दिया, सॉरी इस आई को लिख दिया डी क्यू बाई डी टी। आई क्या होगा, हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमारा आई जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी आई, हाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही हमारा करंट है। तो क्या हम इस आई को यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, तो वी माइनस क्यू बाई सी माइनस आर डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अब ये एक इक्वेशन है जिसको हम आगे आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं, ये हम काइनेमेटिक्स या बहुत जगह पे करते आए। पहले वेरिएबल सेपरेट होंगे, डी क्यू के नीचे क्यू वेरिएबल आएगा और डी टी अलग हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं देखिए, इसको थोड़ा सी वी माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, सी वी माइनस क्यू इक्वल टू आर सी डी क्यू बाई डी टी ऐसे लिख लीजिए। अब ये डी क्यू के साथ ये वेरिएबल है क्यू, ये इसके नीचे लेके आइए और डी टी को इधर ले जाइए, तो हमारे वेरिएबल क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड फॉर डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो डी क्यू अपॉन हम लिख सकते हैं सी वी माइनस क्यू इक्वल टू आर सी डी टी, ये लिख सकते हैं। अब आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो बाउंड्री कंडीशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में जो हमने सर्किट लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने बाउंड्री कंडीशन क्या लिया था, एट टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज अभी कैपेसिटर अनचार्ज था, एट टी इक्वल टू जीरो, बिफोर टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पे भी हमारा जस्ट चार्जिंग शुरू हुई थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे ये जीरो होगा और ये भी चार्ज जीरो था, किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे चार्ज होगा क्यू। जनरल क्वेश्चन होगा तो आपको दिया जाएगा, आप टी इक्वल टू जीरो पे देख लीजिए कि कैपेसिटर में क्या पहले से कोई चार्ज है, अगर है तो आप वहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं डालेंगे। तो ये होगा, अब आप इसमें देखिए हम इसमें एक इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे और वो इंटीग्रेशन सबको पता है, वो इंटीग्रेशन क्या है, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ऐसा हमने इंटीग्रेशन कर रखा हुआ है। क्या है, एल एन ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स के कोफिशेंट को हम डिवाइड कर देते हैं, इसी का हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले को जब आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले को जब आप यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, एल एन ये ए हो जाएगा, ये क्यू हमारा एक्स हो जाएगा और बी के जगह पे यहाँ पे माइनस वन है, एक्स जो वेरिएबल का कोफिशेंट है वो माइनस वन है। हम क्या लिखेंगे, एल एन सी वी माइनस क्यू अपॉन माइनस वन, माइनस वन हमारा कोविशेंट है, इक्वल टू आर सी और ये डी टी का हो जाएगा टी और ये हो जाएगा जीरो से क्यू।
तो वेरिएबल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, एल एन सी वी माइनस क्यू, माइनस क्यू को जीरो रखेंगे तो आएगा एल एन सी वी इक्वल टू, इस माइनस को इधर ले गए, माइनस आर सी अच्छा डी टी, ये वन अपॉन आर सी होगा, यहाँ पे ये टी अपॉन आर सी होगा, ये जब इधर वेरिएबल सेपरेट करेंगे डी क्यू को इधर ले जाएंगे, डी टी इधर ले जाएंगे तो वन अपॉन आर सी होगा, ये ध्यान देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, एल एन ए माइनस एल एन बी, इसको लिख सकते हैं एल एन सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी, फिर सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी लिखा जा सकता है, सी वी इधर आ जाए कॉमन ले लीजिए, तो क्यू फाइनली क्या मिलेगा, सी वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, मैंने सी वी इधर लिया फिर सी वी को इधर ले जाके कॉमन लिया तो हमारे पास क्यू आ गया, तो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया आर सी सर्किट में, वो भी कौन से केस में, चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में हमें मिला क्यू इक्वल टू सी वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो ये हमारे पास होगा माइनस टी अपॉन आर सी, तो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया। अब चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है, अब इसी एक्सप्रेशन में मान लीजिए हमारे पास चार्ज जो मिला है क्यू इक्वल टू सी वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये एक्सप्रेशन मिला हमें चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस स्टैंडर्ड आर सी सर्किट में किस तरीके से चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा कैपेसिटर में, वो हमने निकाल लिया। अब ये देखते हैं कि अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमारा क्या होगा, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर दीजिए तो क्या आएगा हमारे पास, डी बाई डी टी ऑफ सी वी माइनस डी बाई डी टी ऑफ सी वी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या हो जाएगा, जीरो माइनस, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, और फिर हमने जब इसको किया तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन आर सी, तो हमारे पास आई आ चुका होगा, यहाँ से सी और सी कैंसिल होगा, वी बाई आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो हमें करंट इस सर्किट में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये मिला और चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये मिला। नाउ इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एनालाइज करें, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी हमें मिल चुका है, सी वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं क्यू वर्सेस टाइम का, तो यहाँ पर क्यू वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा ड्यूरिंग द चार्जिंग, ये टाइम है और ये हमारे पास क्यू है, तो एट बाउंड्री कंडीशन देखें कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इक्वल टू ज़ीरो जब हम यहाँ पे टी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर रहे होंगे तो ये क्वांटिटी पूरी हमारी क्या हो जाएगी, वन, और ये वन और वन ज़ीरो, तो क्यू हमारा क्या रहेगा, ज़ीरो, तो ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट होगा। और अगर एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करें, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और ये वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी टेंडिंग टू ज़ीरो होगा, और क्यू की वैल्यू इनफैक्ट मैक्सिमम होगी, क्यू मैक्स होगा और वो होगा कितना, सी वी के बराबर। तो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ मैक्सिमम वैल्यू है क्यू का, दैट इज़ क्यू मैक्स एंड दैट इज़ इक्वल टू सी वी, और ये ग्राफ ज़ीरो से उठेगा और ये
मैक्सिमम को एक्सटेंड करेगा, मैक्सिमम की ओर टेंड करेगा क्यू टेंडिंग टू जीरो में। तो दैट इज़ अ ग्राफ ड्यूरिंग द चार्जिंग केस क्यू वर्सेस टी के लिए। अगर आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाए तो ये आसानी है। आई वर्सेस टी के लिए ये अगर हमारे पास आई वर्सेस टी है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व है, ई की पावर माइनस एक्स का है। एट टी इक्वल टू ज़ीरो आई इक्वल टू वी बाई आर, एंड एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी आई टेंडिंग टू ज़ीरो। इस वाले एक्सप्रेशन से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास टी टेंडिंग टू ज़ीरो होगा तो आई जो है वी बाई आर होगा, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो आई टेंडिंग टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो मैक्सिमम वैल्यू होगी आई मैक्स होगा और वो होगा वी बाई आर, उसके बाद ये टेंडिंग टू ज़ीरो होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा डिक्रीजिंग कर। तो करेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग के केस में, और ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज का वर्सेस टाइम के साथ ये ग्राफ बन रहा है। अब से जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अगर इसके बाउंड्री कंडीशन को ध्यान से देखें तो हमें आरसी सर्किट का एक बिहेवियर मिलता है जिसमें कैपेसिटर एक रोल प्ले करेगा। जैसे कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो की बात करें तो हमने क्या देखा, ये हमारा आरसी सर्किट था, ये सी है ये आर। तो इस आरसी सर्किट में एट टी इक्वल टू ज़ीरो की बात करें तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो क्यू ज़ीरो है और मैक्सिमम करंट हमारे पास है आई, हमारा जो है वो आई मैक्स है और उसकी वैल्यू है वी बाई आर। इसका ये मतलब हुआ कि सर्किट में अगर देखा जाए तो इस सर्किट में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का रोल क्या है एट टी इक्वल टू ज़ीरो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस कैपेसिटर एट टी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो वी सी है, वी सी हमारा ज़ीरो है, वी सी ज़ीरो है। तो आप बोल सकते हैं कि इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर भाई पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कुछ है ही नहीं, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसको आप एक ज़ीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप एक ज़ीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, और सर्किट को कुछ ऐसा देखा जा सकता है। दिस कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस बाय ए ज़ीरो रेजिस्टेंस वायर। एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस कोई भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। तो अगर जीरो रेजिस्टेंस वायर से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, और इस केस में जो करंट होगा सर्किट में वो आई नॉर्मल नहीं होगा, वो आई मैक्स होगा, और जो भी पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा दैट इज सेम एज पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी। तो यहाँ से आप देखिए, अगर ऐसा है तो आई मैक्स की वैल्यू वही आएगी जो हमने अभी यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन से डराइव की थी, V बाई आर। तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो दिस कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस बाई ए जीरो रेजिस्टेंस वायर। सिमिलरली फॉर इनफाइनाइट के केस में देखें, मतलब टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब होता है, अगर ये बोला जा रहा है टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि ये वेरी लॉन्ग टाइम है, ऐसा लिखा होगा वेरी लॉन्ग टाइम, दिस इज़ वेरी लॉन्ग टाइम। तो एट टी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर ट्रांजिशन बिहेवियर अगर देखा जाए, एट टी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट दैट इज वेरी लॉन्ग टाइम। तो एट वेरी लॉन्ग टाइम वी एज्यूम कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा। कैसे,
अगर आप यहां पर देखिए, अगर अभी हमने देखा था कि टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वेरी लॉन्ग टाइम पे हमारे पास जो ये एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमारा जो चार्ज था वो मैक्सिमम था, उसकी वैल्यू सी वी थी। इसका ये मतलब है कि वेरी लॉन्ग टाइम में यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू आ चुका होगा और ये माइनस क्यू और ये मैक्स होगा, मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे आ चुका होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वी सी है, दिस वी सी किसके बराबर आ रहा है, वी के। तो वी सी हमारे पास यहाँ पर वी के बराबर आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि क्यू मैक्स की वैल्यू, तभी हम बोल पा रहे हैं सी वी के बराबर है। मतलब हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस का जो ड्रॉप है वो बैटरी के अक्रॉस के ड्रॉप के बराबर है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि इस केस में यहाँ पर आई क्या हो चुका होगा, ज़ीरो। अभी हमने देखा भी था कि टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगा। जब कोई भी करंट नहीं होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस भी हमारा क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो जो भी पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी होगा दैट इज सेम एज पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर सेम एज पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी एंड आई इक्वल टू जीरो। इन टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये सर्किट की कंडीशन रही होगी। तो जब हमारे पास ऐसा होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि नाउ दिस कैपेसिटर कैन बी ट्रीटेड हैज टू बी ए ओपन सर्किट। इसको हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा ऐसे केस में एक ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। ये टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट। कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा है, फुली चार्ज हो चुका है, फर्दर कोई भी करंट या कोई भी चार्ज आने नहीं दे रहा है। इसका मतलब दिस विल बी बिहेव एज ए ओपन सर्किट, तभी इसमें करंट हम क्या बोल रहे हैं, ज़ीरो। तो एट बोल सकते हैं कि एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। तो दोनों के ट्रांजिशन बिहेवियर से हमें एक बात पता लगी और वो ये कि हम दोनों के लिए आरसी सर्किट में कैपेसिटर का जो रोल होगा ट्रांजिशन बिहेवियर पे, मतलब हम एक नोट कर के लिख सकते हैं कि इन आरसी सर्किट एट टी इक्वल टू ज़ीरो कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय ए ज़ीरो रेजिस्टेंस वायर एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैपेसिटर एक्स एज ए ओपन सर्किट। दोनों चीज़ हम लोगों ने देखा। तो इसको हम ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसी सर्किट में टी टेंडिंग टू ज़ीरो पे कैपेसिटर रिप्लेस कर सकता है एक जीरो रेजिस्टेंस वायर के साथ, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर एक्स एज ए ओपन सर्किट, आप उसे एक ओपन सर्किट की तरह दे सकते हैं, और ये जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह, मतलब एक्स एज ए आप रिप्लेस करके इसको एक जीरो रेजिस्टेंस वायर लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, टी इक्वल टू ज़ीरो पे वी सी ज़ीरो था। वी सी ज़ीरो का मतलब कि हम उसे एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन बिहेवियर है एट टाइम टी टेंडिंग टू ज़ीरो और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। नाउ इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, टर्म होता है टाइम कॉन्स्टेंट। ऑफ आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, ये जो हमारे पास चार्जिंग के केस में जैसे देखा था हमने,
सी वी को हमने क्यू मैक्स लिख दिया, 1 - e^-t/rc। क्यू मैक्स आपको पता है क्या है, दैट इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो यहाँ पर हमारे पास जो आरसी है इसी को हम बोलते हैं टाउ, इसी को बोलते हैं टाउ, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, इसी को हम कहते हैं टाउ, दैट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स 1 - e^-t/tau। अगर टाउ के फॉर्म में एक्सप्रेशन देखें तो इसी तरह आई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट e^-t/tau, आर सी की जगह पे हमने टाउ लिख दिया, तो दिस इज टाइम कांस्टेंट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, अगर इसका हम ग्राफ अभी हम लोगों ने देखा ही था, इसका जो ग्राफ आया था क्यू वर्सेस टी का वो कुछ ये था, क्यू मैक्स दैट इज सी वी। अगर इसकी वैल्यू हम टी इक्वल टू टाउ पे देखें, वन टाइम कांस्टेंट पे, तब इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, तो एट टी इक्वल टू टाउ क्यू क्या मिलेगा, क्यू मैक्स 1 - e^-tau/tau, टी को टाउ रख दिया, तो क्यू मिलेगा हमें क्यू मैक्स 1 - 1/e। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये क्यू मैक्स, और ये टर्म जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.63। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वन टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर में कितना चार्ज आ चुका है, 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। और क्यू क्या होता है, ये हमारा जो क्यू है ये कौन सी वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज अभी प्रेजेंटली है वो हमारा ये बताता है क्यू। तो अगर वन टाइम कांस्टेंट पे हमने क्या देखा कि जो क्यू है वो है 0.63 ऑफ क्यू मैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वन टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द टाइम व्हेन 63% ऑफ द कैपेसिटर हैज़ बीन चार्ज। तो वन टाइम कांस्टेंट के लिए हम बोल सकते हैं इट इज द टाइम इन विच 63% ऑफ द 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज हैज बीन प्रेजेंट इन द कैपेसिटर, या बोल सकते हैं इट इज द टाइम इन विच कैपेसिटर इज चार्ज टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू के 63% चार्ज हो चुका है, अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्यू मैक्स है तो वो उसका 63% ही केवल चार्ज हो पाया है, दैट इज कॉल्ड द वन टाइम कांस्टेंट। इसे हम कहेंगे वन टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट। तो चार्जिंग के केस में आप करंट में भी आप देखेंगे एट टी इक्वल टू टाउ आई बिकम आई नॉट आई नॉट, और ये क्या हो जाएगा अपॉन ई। तो आई जो होगा आई बिकम आई नॉट अपॉन ई, यहाँ से आएगा ये आपके पास कितना आएगा 30.37 आई नॉट। तो आई के टर्म्स में आप क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटर 63% जो है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का 63% चार्ज हो चुका है। या फिर करंट के बारे में बोले, करंट तो आपका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
तो वो मैक्सिमम का 37% प्रेजेंट वैल्यू है 37, तो वो 37% तक डिक्रीज हो चुका है, हम ये बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट भी हमने देखा, तो